हेलो गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी कद्दू आलू और शिमला मिर्च की मिक्स वेज। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर शिमला मिर्च को मैं फ्राई कर ली हूँ। मैंने शिमला मिर्च को बड़े स्लाइस में काट रखा है। अब ये फ्राई हो चुका है तो इसे मैं बाहर निकाल कर उसी ऑयल में मैं मेथी दाने डाली हूँ और जीरा। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन मैं चॉप करके डाली हूँ और अब ऑनियन डालेंगे स्लाइस में कटे हुए। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे। अब इसमें हम कद्दू भी डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनेंगे और ये कद्दू भुन चुका है। अब इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। इन सब में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 2 कटे हुए टमाटर मिला देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे लो फ्लेम पे हम ढककर पकाएंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च को मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हरी धनिया की पत्तियों को मैं काट के इसमें मिला देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये मेरी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है।